नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में हालिया दल बदल पर कटाक्ष किया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर तंज कसा। थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा कि अब बीजेपी कांग्रेस जैसी नजर आ रही है क्योंकि उसमें कई नेता शामिल हो चुके हैं। थरूर ने ये शेयर ट्वीट कर अपनी बात कही। अब हम आपको बताते हैं कि ट्वीट में क्या कहा गया। छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए, शामिल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। जी हां, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपने राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय शुरू किया। पत्र में कहा गया कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। मैं आपको देश, इसके लोगों और पार्टी की सेवा करने का ये अवसर जो आपने मुझे प्रदान किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। रामराजा निरंजन ब्लॉक प्रमुख जालौन की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवीलाल धाकर विधायक गरोच भानपुरा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचार्य डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई जालौन की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंवर दुर्गेश सिंह पटेल प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।